हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, ये सूप पीकर आप बिल्कुल ही अच्छे हो जाने वाले हैं। अगर इस विंटर में आपने ये सूप ट्राई नहीं किया तो क्या ही एंजॉय कर पाएं आप इस विंटर को। खाने पीने के असली मज़े तो विंटर में ही हैं, क्योंकि इस टाइम फ्रेश सब्जियाँ आती रहती हैं। अभी तो टोमेटो सूप है जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बट ढेर सारे और भी सूप के वीडियोज हैं जो लाइनअप हैं, और भी विंटर स्पेशल वीडियोज हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टोमेटो सूप बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के पके पके टमाटर, और कुछ लहसुन की कलियाँ, और एक मीडियम साइज का प्याज। इसे मैंने रफली कट किया है। अब मैं इस भगोने में करूँगी बॉइल। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और बस ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक बॉइल होने दूँगी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बॉईल हो चुका है, और अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ। तो ये देखिए कुछ टमाटर गल चुके थे और उनके छिलके अपने आप ही अलग हो गए थे, तो मैं उन्हें एक साइड कर दूँगी, और जिनके छिलके नहीं निकले थे मैं उन्हें निकालूंगी भी नहीं, मैं ऐसे ही सूप बनाकर रेडी करूँगी। तो ये मिक्सर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जूस की तरह बनकर रेडी हो चुका है। मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें। तो सूप बनाने के लिए मैं अगेन उसी पैन का यूज करूंगी। तो मैंने सबसे पहले डाला 1 चम्मच घी, और उसमें थोड़ा सा डाला है मैंने अजवाइन, और उसके बाद बस ये मिक्सचर उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और फिर मैंने ऐड किया है इसमें 1 पिंच हल्दी, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये काली मिर्च और सौंठ का पाउडर है। तो सौंठ की जगह आप अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकने दूंगी। तो ये देखिए सूप लगभग बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को अब मैं करूंगी ऑफ और गर्मा गर्म सर्व करूंगी इसे। तो ये देखिए गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं। तो कैसी लगी आपको ये सूप की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।